नमस्कार, तवांग न्यूज 24/7 के तमाम दर्शकों का स्वागत। आज के खबरों के साथ मैं तंजीन। अपने 2 दिन के यात्रा में पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा से तवांग के स्थानीय विधायक सिंह टाशी और वरिष्ठ जननेता गोलंग मोनपा ने आज मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान स्थानीय विधायक ने तवांग में चल रहे विकास संबंधी विषय और आर्मी और सिविलियंस के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में चर्चा की और इस विषय में राज्यपाल ने संतुष्टि व्यक्त की। 7 अक्टूबर से शुरू होगी वार्षिक तोलमा बूम पूजा। गदन रपकेलिंग मठ बोमडिला के भिक्षु संघ 7 से 13 अक्टूबर तक लुंगला के युमचेन डोलमा लगंग में 1 लाख पर धोलमा प्रार्थना के पद सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तारा देवी की प्रार्थनाओं का उद्देश्य सामान्य रूप से विश्व शांति और विशेष रूप से साम क्षेत्र के लिए किया जाता है। तकनीकी खराबी के कारण FC और साजो में 2 साइटों का रद्द करने के बाद आज लुमला और पूरे तवांग वासियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। 16 से जो कि थ्रिलम बुक्यूंग और सक्यूर का एक इलाका है, इस इलाके में आज VKV स्कूल की स्थापना पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की गई है। अम्बुच ठाकुर जो कि VKV मोक्तो के प्रिंसिपल है, लोपसांग ताशी थुंगन सचिव, SSGVKV शेरगांव ताशी डोंडुप अतिरिक्त उपायुक्त लुंगला, नवांग थुतन सर्कल ऑफिसर लुंगला, थुतन गोम्बू ZPM लुंगला और साथ ही इन तीनों गांव के गांव बुरा और जितने भी गांव वाले हैं उन्होंने आज जो साइट सिलेक्शन है इसमें भाग लिया और अंत में हमें प्राप्त सूचना के अनुसार जो सालों से है उसे VKV स्कूल स्थापना करने के लिए सहमति दी गई। और लुंगला में स्थापित होने वाली VKV लुंगला अपने आप में पहली ऐसी VKV होगी जो CHMES के सहयोग से कार्य करेगी। CHMES एक प्रसिद्ध मिलिट्री स्कूल है जिसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता प्राप्त से पहले ही की गई थी और इस VKV स्कूल को लुंगला में लाने में लुंगला के जो विधायक है जम्बे टाशी उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और उनके इस योगदान को देखते हुए आज लुंगला के तमाम लोगों ने उनका धन्यवाद किया। आज तवांग के सर्किट हाउस में पूजनीय पद्मश्री चौदहवी थेक्से रिम्बुचे के लंबे आयु की जो प्रार्थना है उसके लिए गठित जो कोर कमिटी है उनका एक बैठक किया गया। यह बैठक लंबे आयु की जो प्रार्थना है उसकी तैयारी को लेकर की गई थी। इस बैठक में तवांग के ZPC लेकी गोम्बू ने भी भाग लिया। तवांग न्यूज के माध्यम से कोर कमिटी ने इस होने वाले प्रार्थना में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया है उनका धन्यवाद किया। बैठक के बाद कोर कमिटी के सदस्य खिनमे गोनपा में तैयारी देखने के लिए पहुंचे हैं। अब तवांग के कोरोना रिपोर्ट। आज तवांग में कुल 120 कोरोना के नमूने लिए गए जिसमें RAT से 117 और TrueNet से 3। आज कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब जिले में कुल 27 कोरोना सक्रिय मामले हैं जिसमें 24 घर एकांतवास में हैं और 1 कोविड केयर सेंटर और 2 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में और आज 3 लोग डिस्चार्ज होकर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। तो दर्शकों, आज का जो खबरों का सिलसिला है वो यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन लुंगतन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।